हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो है ये, जो कि अल्ट्रा स्लिम बोर्ड है और ये स्क्रीन को देख सकते हैं। अल्ट्रा स्लिम बोर्ड डालने के बाद इस प्रकार से आता है। तो हम इसको किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, कुछ टिप्स आजमा के यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो कई वीडियो मेरे चैनल पर पहले से भी है इस टॉपिक पर, तो ये उसके अलावा एक वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दे, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इसमें काम करना है आपको, ठीक है। पहले तो आपको इस पर काम करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डायड है बड़ा वाला, तो इस डायड को आपको नीचे से डायरेक्ट कर देना है। तो आपको अगर पूरा स्क्रीन आ जाता है, आपका योग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पूरा स्क्रीन आ जाता है तब तो सही है, अगर नहीं आता है तो इस पर दूसरा भी प्रोसेस करने का तरीका है, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं नीचे से इस डायड को अभी डायरेक्ट कर दूँगा, देख सकते हैं इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट कर देंगे तो हमारा स्क्रीन जो है बड़ा हो जाएगा साइड में, हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है। तो इसमें किसी किसी योक में आपका इस डायरेक्ट को डायरेक्ट करना भी नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आ जाता है, और किसी किसी योक में इस डायट को डायरेक्ट करने से फुल स्क्रीन आ जाता है, और किसी किसी को इस डायट को डायरेक्ट करने से भी थोड़ा बहुत रह जाता है। आज का टॉपिक है ये थोड़ा बहुत रह जाता है उसके ऊपर है, जो कि आप बाद में देख सकते हैं। अब ये डायट को हमने डायरेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाऊंगा तो किस प्रकार से आता है, आप देखिए, आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करने के बाद आपको स्क्रीन इसको दिखाऊँगा। तो हमारा थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, हाथ पे कैमरा होता है तो इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा ये ऑलरेडी जो हट चुका है, लेकिन हमारा जो राइट साइड पर दिख रहा है वो थोड़ा बहुत कम आ रहा है। तो उसको भी फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम इसको पहले 110 वोल्ट की जगह हम इसको 115 करेंगे, देख सकते हैं 115 कर दिया हूँ मैं यहाँ पर। वो वहाँ पर पीसेट एक होता है जो पीसेट को डायरेक्ट एडजस्ट करके आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं पावर सप्लाई के। उसके बाद में आपको और एक कॉयल को आपको डायरेक्ट करना है, तो देख सकते हैं मैंने स्क्रू ड्राइवर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वही कॉयल को आपको नीचे से डायरेक्ट कर देना है। इस कॉयल को 27 जो लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट करने के बाद हमारा स्क्रीन जो है वो कम्प्लीटली फाइनली साइड में जितने भी खाली था वो फिलअप हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी किसी में आप इस कॉयल को देख सकते हैं नीचे से मैं डायरेक्ट कर गया हूँ, तो किसी किसी को पास इस कॉयल को डायरेक्ट करना भी नहीं पड़ेगा। अल्ट्रा स्लिम में लगभग आपका जो पावर सेक्शन हो, जो भी टीवी है, लगभग 25 से 30 तक सप्लाई आता है, लेकिन इस सेट में आपका 110 वोल्ट दिया है, तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है कम होता है, तो आपको पावर सप्लाई को भी एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत। तो देख सकते हैं हमारा जो स्क्रीन है अभी साइड में कम्प्लीट आ चुका है, और जो ऊपर और नीचे जो ब्लैक कलर का दिखा हुआ है तो इसको हम सर्विस मोड से एडजस्ट कर लेंगे, जो आपका रिमोट में होल्ड दिया गया है उसमें पुश करके आपको इसको हाइट को बढ़ा दीजिए, हो जाएगा फैक्ट्री मोड में जाके, ठीक है। लेकिन साइड का ही हम लोगों का ज़्यादा दिक्कतें आता है, ठीक है। बस तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।